सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका 4X4 अनबॉक्स में। तो आज बात करने वाले एक इंडियन स्मार्टफोन की, जो है लावा अग्नि 2 5G। तो क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, तो सब कुछ बता के इसके बारे में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले बात करते हैं फ़ोन के प्राइस की। जो 8GB और 256GB वेरिएंट, एक ही वेरिएंट है जो 22,000 के रेंज में मिल रहा है। तो शुरू करते हैं फ़ोन के बैक साइड से, जिसमें आपको मैट ग्लास बॉडी देखने मिल जाता है और प्लास्टिक का फ्रेम देखने मिल जाता है। वेट की बात करें तो 202 ग्राम इसका वेट है। और जो कैमरा मॉड्यूल है उससे फ़ोन का लुक बहुत प्रीमियम मिलता है। पुल्स और बटन की बात करें तो राइट में आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने मिलता है। बॉटम में स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक, सिम ट्रे जिसमें आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट मिलता है, और टॉप में एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है। ओवरऑल बिल्ड मटेरियल में फ़ोन अच्छा है। तो बढ़ते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की तरफ, जिसमें आपको 6.78 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले है, जिसमें आपको एमोलेड पैनल देखने मिल जाता है जो 10 बिट के साथ आता है। और ये डिस्प्ले HDR10+ भी सपोर्ट करता है, और साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और ब्राइटनेस नीट की बात करें तो 980 nits का आपको ब्राइटनेस पिक देखने में। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो एकदम परफेक्ट कहूँगा। जो एक इंडियन ब्रांड एमोलेड पैनल के साथ कर्व डिस्प्ले दे रहा है तो एक अच्छी बात है। तो प्रोसेसर की बात करें तो लावा अग्नि 2 में आपको 5G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो MediaTek का Dimensity 7050 एसोसिएट का एक 5G प्रोसेसर है, जो एक नया प्रोसेसर है, मगर ये रिब्रांडेड किया गया है 1080 एसोसिएट का प्रोसेसर के साथ में। तो अगर आप नॉर्मली गेमिंग करना चाहते हो तो हो सकती है, हैवी गेमिंग इस पर नहीं हो सकती, मगर अब PUBG या COD जैसे गेम आपको 90 FPS पर सपोर्टेड है। तो आउट ऑफ बॉक्स ही एंड्रॉइड 13 पर मिल जाए, जो एक अच्छी बात है। इसके वेरिएंट की बात करूँ तो 8GB 256GB वेरिएंट देखने मिल जाता है। और लावा ने प्रॉमिस किया है कि 2 साल का OS अपडेट मिल रहा है और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे रहा है, जो एक अच्छी बात है। अगर इसकी UI की बात करूँ तो जैसे कि इसका UI बहुत बोटवेयर आता है, एड्स आता है, मगर इस फ़ोन के अंदर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लावा ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया कि इसके UI के अंदर कोई बोटवेयर या एड्स नहीं देखने मिले। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी फ़ोन अच्छा है। अगर इस फ़ोन के कैमरे की बात करूँ तो बैक में आपको राउंड डायल के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसके अंदर 50MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP माइक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा। इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो 4K 30fps में वीडियो शूट कर सकते हो, मगर इसके अंदर OIS का सपोर्ट नहीं है, EIS सपोर्ट मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करो तो डे लाइट में एक अच्छा फोटो कैप्चर करके देता है, बट लो लाइट के अंदर इसका क्लियरिटी पोर हो जाता है। तो अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करें तो अल्ट्रा वाइड सेंसर में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आप नाइट में यूज़ नहीं करो, वही बेटर रहेगा। और जो 2 MP के कैमरे हैं, जो उसके सेंसर है, तो यूज़फुल नहीं है। पर फ्रंट कैमरे की बात करो तो 60MP का कैमरा देखने मिल जाता है सेंटर पंचोल में। और इसकी क्वालिटी की बात करो तो एवरेज क्वालिटी का कैमरा देखने मिलता है। तो ओवरऑल कैमरे की बात करो तो एवरेज ही कहूँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर सभी बेटर क्वालिटी का कैमरा देखने मिल जाता है। अगर बैटरी की बात करो तो 4700mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 66W का फास्ट चार्ज। और ऑन पेपर दिया गया कि 0 to 50% चार्जिंग आपको 60 मिनट में करके देता है। तो 22,000 की रेंज में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट होना चाहिए था, बट इसके अंदर नहीं है। फाइनल फ़ोन की बात करें तो मुझे इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये लावा 1 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी देता है, जो एक अच्छी बात है। बट लावा अग्नि 2 में कैमरा इंप्रूवमेंट होता तो ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन रहता। तो कैसा लगा फ़ोन और वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।